नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एमपी लाइफ पर। और आज हम चर्चा करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की। दोस्तों, इस चर्चा के पहले मैं कुछ मुख्य मुख्य बातें आपके सामने रख दूं। अमेरिका में दो ही पार्टियां होती हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। दो पार्टी की व्यवस्था है। वहां के लोग पुश्तैनी एक पार्टी के साथ जाते हैं, या तो वहां पे आदमी रिपब्लिकन होता है या डेमोक्रेट होता है। जहां तक भारतीय समुदाय का सवाल है, भारतीय समुदाय शुरू से ही डेमोक्रेट्स के साथ रहता है। बराक ओबामा को भारी समर्थन था भारतीय समुदाय का, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आते आते कुछ भारतीयों का रुझान जो है वो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ होने लगा। जब डोनाल्ड ट्रंप ने N1B वीजा के ऊपर सख्ती लागू करी, उसके बाद भारतीयों का झुकाव वापस से डेमोक्रेट की तरफ आने लगा है। और जो डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार है अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में, जिनका नाम है जो बाइडन, उन्होंने ये घोषणा भी की है कि यदि वो राष्ट्रपति बनते हैं तो वो N1B वीजा में भारी तौर पर सुधार करेंगे और भारतीयों के लिए कुछ रियायतें देंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं कि डेमोक्रेट की तरफ से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भारतीय मूल की महिला है कमला हैरिस, और उनकी जो डिजिटल हेड है वो भी भारतीय मूल की है, जिनका नाम है मेघा राज। जब ये लोग भारतीय मूल की महिलाएं आगे लाते हैं तो रिपब्लिकन पार्टी का कहना है कि आप तो दो चार कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी से कहीं ज्यादा लोग, भारतीय लोग रिपब्लिकन पार्टी में हैं। भारतीय समुदाय लगभग 2% योगदान देता है अमेरिकी जनसंख्या में, और इसकी संख्या को यदि हम देखें तो 44 लाख भारतीय अमेरिका में रहते हैं, जिसमें से 25 लाख भारतीय वोटर हैं। तो भले ही हमारी तादाद ज्यादा ना हो, लेकिन हम अच्छा खासा प्रभाव अमेरिकी राजनीति में रखते हैं। मेरे साथ है हमारे रेगुलर पैनलिस्ट एक्सपर्ट अभिषेक खरे। अभिषेक खरे का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में है, दुनिया के पहले ट्विन्स ऑथर है, राजनीतिक विचारक है, विश्लेषक है, प्रेरक है, लेखक है। हमारे साथ अंशुमन खरे भी जुड़ चुके हैं, जो कि खबर अभी तक चैनल के हेड है, हिंदुस्तान लाइव चैनल को भी हेड करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, और विगत 15 से 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय है। अभिषेक खरे सर, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कौन जीतने वाला है इन दोनों में, और भारतीयों को किससे ज्यादा लाभ है? देखिए, इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मैं पहले एक विश्लेषण करूंगा डोनाल्ड ट्रंप का, कि डोनाल्ड ट्रंप की एक कहानी ऐसी हुई कि एक बैट्समैन जो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था पूरे अपनी इनिंग के दौरान, और जब टीम को जरूरत पड़ी कि अब उसे फास्ट रन बनाना है, तो उसने छक्का मारने की कोशिश करी और बाउंड्री पे आउट हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो कहानी है वो पूरी ऐसे ही है कि 4.5 साल तक तो वो ठीक ठाक चलते रहे, और जैसे ही टाइम उनके जो चुनाव का साल आया, तो उस चुनाव के साल में वो कोरोना आ गया, और कोरोना के बाद फिर उसके बाद जॉर्ज फ्लाइट का केस हो गया अमेरिका में, तो इससे उनकी जो लोकप्रियता थी, जो अच्छी खासी पहले 56 से 60% थी, आज से लगभग 8 और 9 महीने पहले, कोरोना के पहले, वो सीधी सीधी डाउन होके इस समय चल रही है 10 से 12%, और 20% से ऊपर जानी रही। और जो सारे विश्लेषक हैं, जो जिस तरह की डिबेट्स हो रही हैं वहाँ पे, उसमें एक पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही कम चांस हैं इसमें जीतने के। तो आप उनका फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखिए डोनाल्ड ट्रंप का क्या होगा, कि जो व्यक्ति बहुत अस्वस्थ था आज से 6-8 महीने पहले तक कि उसे जीतना ही है राष्ट्रपति चुनाव, उस व्यक्ति को पॉपुलैरिटी भी चली गई, उस व्यक्ति के पास अब अपने आप को साबित करने के लिए कुछ बचा नहीं। तो जो फ्रस्ट्रेशन गुस्सा है उसमें, इसीलिए देखिए, एक बिगेस्ट प्रॉब्लम जो हुई है वो कोरोना हुई है, चाइना हुई है, और चाइना उनके लिए डबल तरह से प्रॉब्लम रहा। चाइना का वायरस आया और चाइना के साथ ट्रेड वॉर में वो बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाए, तो अमेरिकी जनता के सामने वो ऐसा कुछ भी साबित नहीं कर पा रहे हैं, दिखा नहीं पा रहे हैं कि जिससे उनको लगे जनता को कि इन्होंने कुछ अचीव किया। बहुत छोटे मोटे अचीवमेंट हैं उनके विगत, अगर हम एक साल की बात करें तो वो सारे के सारे माइनस में चले गए। कोरोना की वजह से वहाँ अर्थव्यवस्था खराब हुई अमेरिका में, लोगों को ये आरोप है उनके ऊपर कि उन्होंने उसको हैंडल ढंग से नहीं किया। फिर जॉर्ज फ्लाइट का केस आया, तो उनने उसके बाद जो बयान दिए वो बयान वैसे भी जो लोग थे वहाँ पे, ब्लैक पॉपुलेशन है, उसके खिलाफ दिए बयान। उसके बाद फिर उन्होंने चाइना के वायरस, चाइना से थोड़ा बहुत जो भिड़ने की कोशिश करी वो भी कोई प्रॉपर वो मुकाम पे पहुँचा नहीं पाए। तो कुल मिला के जो ट्रंप की स्थिति है वो इस समय तो बहुत ख़राब है। हो सकता है कि देखिए वहाँ क्या होता है अमेरिका में, लास्ट में बहुत सारी डिबेट्स होती हैं, टीवी डिबेट्स होती हैं, हालांकि इस बार टीवी डिबेट्स का स्वरूप वेबिनार जैसा ज़्यादा है,
तो उन डिबेट्स में अगर वो कुछ अच्छी अपनी उपलब्धियों को प्रस्तुत कर पाए तो शायद वो कुछ अचीवमेंट या जनता उनके लिए कुछ फेवर करे। अदरवाइज अगर हम आज की बात करें, अगर हम अगस्त की बात कर रहे हैं, तो अगस्त में उनकी पॉपुलैरिटी 20% से ऊपर नहीं है, मतलब जो बाइडन से उनके जीतने के चांसेस बहुत ही कम है आज की डेट। ठीक है सर, ठीक है। अंशुमन खरे जी, में डोनाल्ड ट्रंप आए, नमस्ते ट्रंप हुआ, हाउडी मोदी के बाद 100 करोड़ रुपए भारतीयों ने दिए, और अभिषेक जी के हिसाब से तो डोनाल्ड ट्रंप हार रहे हैं, अब ये 100 करोड़ कैसे वापस मिलेंगे भारत को? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि सरकार अमेरिका में रिपब्लिक की हो या डेमोक्रेट्स की बने, अमेरिका का आगे आने वाले समय में तो झुकाव है भारत की तरफ हमेशा रहेगा, क्योंकि भारत को अब उनको फेवर करने की उनकी जो विदेश नीति है वो लगातार दोनों ही सरकार किसकी भी बने वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि यहाँ चाइना से भी उनको ऑफेंस करना है, चाइना को भी देखना है, तो भारत को मजबूती के भारत के साथ खड़ा होना ही पड़ेगा। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप के संबंध यानी कि रिपब्लिक के संबंध जो वहां पर भारतीय रह रहे हैं, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के वजह से भी काफी कुछ मोल्ड हुए हैं कि आज की तारीख में अगर हम बात करें कि परंपरागत जो वोटर्स थे भारतीयों के अमेरिका, वो डेमोक्रेट्स की तरफ भी ज्यादा झुकाव था, जैसे कि बताया अभिषेक सर ने भी बताया, लेकिन अभी मुझे लगता है कि स्थिति थोड़ी सी बदली हुई है, क्योंकि मोदी जी के प्रोग्राम के बाद और डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत को खासतौर पर भारत को काफी सपोर्ट किया है, चाहे वो पाकिस्तान का मामला हो, चाहे वो चीन के साथ स्टैंडिंग का मामला हो, या लगातार भारत को स्थायी सुरक्षा सीट देने के लेकर जो लगातार बात हो रही है, हमेशा उन्होंने भारत का समर्थन ही किया है इसके लिए। तो मुझे लगता है कि अभी जो चुनाव होने हैं उसमें जैसे कि आपने बताया कि 25 लाख के आसपास वोटर्स हैं, तो ये वोटर्स बटे हुए दिखाई देंगे। जी अजय, मैं एक चीज बोले, आप बोले। मैं ये अंशुमन जी की बात पे आगे कुछ जोड़ना चाहता हूँ। जो अंशुमन जी ने कहा कि भारतीयों का या भारत के साथ अमेरिका के संबंध अच्छे हुए हैं, तो उसको मैं थोड़ा विस्तार से बताता हूँ कि अगर हम पिछले 5 और 6 साल की बात देखें तो उस 5-6 साल में बहुत सारा ड्रास्टिक चेंज हुआ। भारत के जो संबंध है वो अमेरिका के साथ पिछले 5 साल में बहुत बेहतर हुए हैं, और वहीं अमेरिका के संबंध पाकिस्तान के साथ बहुत खराब। तो आगे आने वाले टाइम में कोई भी आए, चाहे जो बाइडन आए, ट्रंप आएंगे तो नेचुरल है, उनके साथ रेपो भारतीयों का बना हुआ है, भारत सरकार का बना हुआ है, मोदी जी का पर्सनल बना हुआ है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ जो बाइडन भी आएंगे, तो कोई भी राष्ट्रपति अपनी 100% पॉलिसी नहीं ला सकता, क्योंकि उसे चलना पड़ता है गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन और पॉलिसीज ऑलरेडी डिसाइड होती हैं, उसमें वो थोड़ा सा चेंज कर सकता है। जो बाइडन बेसिकली अपनी पूरी पॉलिसी भारत के खिलाफ नहीं ला सकते या बिल्कुल ही अपोजिट नहीं जा सकते, क्योंकि पिछले 5 साल में बहुत ज़्यादा भारत और अमेरिका का ना सिर्फ तकनीकी सहयोग बढ़ा है बल्कि रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ा है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग बढ़ा है, एक बहुत अच्छी रेपुटेशन डेवलप हुई है। तो मेरा यहाँ पर यह कहना है कि आसान नहीं है अमेरिका के लिए, कोई भी राष्ट्रपति आए उसके लिए एकदम से 360 डिग्री चेंज करना, पॉलिसी शिफ्ट करना, ये तो हुआ एक पार्ट। दूसरा पार्ट ये है कि भारतीय वोटर जो परंपरागत रूप से डेमोक्रेट्स के वोटर माने जाते थे, उन्होंने ट्रंप के टाइम निश्चित तौर पर रिपब्लिकन पार्टी के समर्थन में वोटिंग की, और अभी भी वो ट्रंप के ही समर्थन में, क्योंकि अगर आप जो बाइडन की पिछले 1-2 महीने की स्पीच देखेंगे या उनका पिछले अगर हम 6-8 महीने से जब से कैंपेन शुरू हुई है उनको अगर एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बाइडन का झुकाव काफ़ी कुछ मुस्लिम वोटरों की तरफ रहा है उनके, यहाँ तक कि उन्होंने अमेरिका में स्पेशली एक मुस्लिम विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने भारत के जो NRC है, CAA है और कश्मीर की समस्या है उसके खिलाफ बोला है। इस बात को लेके जो वहाँ पे अमेरिकन हिंदू हैं विशेष तौर पर वो नाराज हुए, तो ये चीज़ समझते हुए और बाद में जब कमला हैरिस की एंट्री हुई तो उन्होंने इस चीज़ को समझा कि आप भारतीयों को इग्नोर नहीं कर सकते अमेरिका में, स्पेशली हिंदू बहुत बड़ी संख्या में 13 लाख के आसपास बड़े वोटर हैं अमेरिका में हिंदू और भारतीय, तो उनको अब कोशिश ये हो रही है जो बाइडन और उनकी टीम और कमला हैरिस की तरफ से उन्हें एक तरह से वापस अपने साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है, और वो साथ में अब कुछ हिंदू वोटरों के लिए भी विजन डॉक्यूमेंट लाने का प्लान कर रहे हैं, ऐसी मुझे कुछ जानकारियाँ मिली हैं कि इस तरह से वो विजन डॉक्यूमेंट उनके लिए लाना चाह रहे हैं, और लेकिन थोड़ा नुकसान वो ऑलरेडी कर चुके हैं क्योंकि उन्होंने पहले मुस्लिम वोटर्स के लिए विजन डॉक्यूमेंट ऑलरेडी ला दिया, CA का विरोध
एनआरसी का विरोध वो पहले ही कर चुके हैं, ये एक परेशानी है। नुकसान तो सर डोनाल्ड ट्रंप भी कर चुके हैं ना, N1B वीजा के नियम उन्होंने कठिन बना दिए है। अब हिंदू मुस्लिम से ज्यादा तो भारतीयों को इस चीज से मतलब है ना कि वीजा जो सहूलियत वाला वीजा है जिसमें लोग वहां जाके काम करते हैं, वो वीजा में ज्यादा से ज्यादा रियायतें कौन सा राष्ट्रपति देने जा रहा है भारतीयों को, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना? ये भी बताता हूँ, देखिये H1B वीजा जो है वो वहां पे जो प्रोफेशनल्स होते हैं काम करने के लिए जाते हैं पूरी वर्ल्ड से, उनके लिए दिया जाता है। कुल मिला के साल में 1,80,000 से 2,50,000 H1B वीजा जारी होते हैं, और उसका भी एक बहुत बड़ा पार्ट यानी लगभग 1.5 लाख से ज्यादा वीजा भारतीय कंपनी या भारतीय प्रोफेशनल्स को मिल जाता है। तो डायरेक्ट नुकसान तो भारतीयों को ही होने वाला है, एक तो ये नुकसान है। लेकिन आप इसे समझिए कि ये उन्होंने किस स्थिति में बोला। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जैसा बताया था कि ट्रंप के पास अपनी जनता को दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं, वो क्या दिखाएंगे? तो वो इन्होंने कोरोना काल में ये दिखाने की कोशिश करी जनता को कि देखिए हम आपके लिए नौकरी सेव कर रहे हैं। ये एक ऐसा होता है ना कि हारे हुए व्यक्ति के कुछ दाव होते हैं, बहुत लोक लुभावन दाव होते हैं, उनमें से एक कोशिश ये है H1B वीजा की। उन्हें पता है अभी अगले 6-8 महीने तक तो कोई ट्रैवलिंग ही नहीं हो रही, तब तक ये चुनाव निपट जाएगा, उसके बाद ये रूल रेगुलेशन बदले जा सकते हैं। तो आप उस चीज को समझिए कि वो उनका उद्देश्य इसे वाकई लागू करना है या चुनावी घोषणा ज्यादा है उनकी। तो ये अभी चुनावी घोषणा ज्यादा है क्योंकि लगभग 90 लाख के आसपास अमेरिकन की नौकरी इस कोरोना काल में जा चुकी है, तो उन्हें त्वरित ऐसा कुछ करके दिखाना है जिससे डायरेक्ट जनता को लाभ, तो वो उद्देश्य है। और रही बात बाइडन की, जो बाइडन की, तो जो बाइडन ने बोला है निश्चित तौर पर कि वो H1B वीजा को खत्म करेंगे, ये बाइडन ने बोला है, और इसमें निश्चित तौर पर भारतीयों को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये मुझे लगता है कि अगर चुनाव ट्रंप जीते तो वो भी खत्म करेंगे, क्योंकि भारतीयों का इस समय जो रेपुटेशन है, भारतीयों के साथ जो रेपो है, जो उनके संबंध है, उसको अब अवॉइड नहीं कर सकता कोई भी अमेरिकन राष्ट्रपति। ये मेरा बिल्कुल। अंशुमन जी लास्ट सवाल आपसे जी। जो बाइडन ने गणेश चतुर्थी की बधाई दे दी है भारतीयों को वहां पर जी, आपको लगता है ऐसी बधाइयों से कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, अब ये तो आप जानती हैं कि बधाइयां तो ठीक है, कमला हैरिस को भी शायद इसलिए उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया कि वो शायद कुछ हद तक हिंदू वोट भी वो वापस डेमोक्रेट्स की तरफ झुकाव कर सकें। हालांकि केवल ये रीजन नहीं होगा, लेकिन उसको आज की तारीख में दाव तो खेली है कि कमला हैरिस को ये हम बताया जा रहा है कि भारतीय मुल्की हैं। हालांकि मैंने जब आपसे बात हुई तो मैंने थोड़ा नेट पर सर्च किया तो मुझे पुराने कमला हैरिस कोई ऐसे वीडियो नहीं दिखाई नहीं मिले जिसमें कमला हैरिस हिंदुस्तानियों की बात कर रही हूँ या अपने आप को इंडियन होने की बात कर रही हूँ। तो मुझे लगता नहीं है, तो सिर्फ सियासी बातें हैं कि जब त्योहार और आते हैं तो बधाई देना जाहिर सी बात है। आपको तो क्या लग रहा है सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि राष्ट्रपति कौन बनेगा? अभिषेक जी ने तो डिक्लेयर कर दिया डोनाल्ड ट्रंप हार चुका है। मेरा भी अजीज यही मत है कि बिडेन जो है मतलब अमेरिकन जो है डेमोक्रेट्स को फिर से मौका देने वाले हैं और बिडेन ही राष्ट्रपति होंगे, क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट माहौल बना है, हालांकि उसमें उनकी गलती भी नहीं होगी जहां तक उम्मीद है, लेकिन जिस तरह से कोरोना काल के बाद वो चाइना को लेकर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की छवि धूमिल हुई है अमेरिका में, मुझे भी लगता है कि बिडेन अगले राष्ट्रपति होंगे। एक यहाँ मैं एक चीज और अजय जी बोलना चाहूंगा कि जो बाइडन वैसे भी बहुत ही सीनियर किस्म के बहुत अनुभवी राजनेता हैं, उनकी 77 साल एज है और वो बराक ओबामा के समय उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस बहुत है, बहुत ही एक्सपीरियंस राजनेता हैं, तो उन्हें दोनों पार्टियों को और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में जानकारी बहुत अच्छी तरह से है, भारत की स्थिति भी उन्हें पता है, भारत का वजन भी पता है और भारत के साथ उनके संबंध कैसे डेवलप करना है ये पता है। तो बहुत सारे उनके बयान हो सकते हैं अभी टाइम बींग सिर्फ जनता को खुश करने के लिए हो, बाद में पॉलिसी तो जो पॉलिसी मैटर है अमेरिकन विदेश नीति के उसके हिसाब से ही डिसाइड होगी। तो कोई भी राष्ट्रपति बने मुझे लगता है भारतीय संबंध बहुत ज्यादा खराब नहीं होने वाले। हाँ ये होता है कि संबंध विकसित करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे मोदी जी और ट्रंप के पर्सनल संबंध बहुत अच्छे बन गए थे, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है वो दो देशों के संबंध होते हैं तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।